झूठ लगता मैनू इन्हें दसिया घूने मैनू इन्हें दसिया मैनू झूठ लगता सी कि इदा इदा जी 247 क्विंटल पाया फिर मैनू इन्हें मूवियां विखाइया दरिया चो निकल दे रही सोबे चो भी निकल दया इन उतो सा खाली टिकट ट्राली नहीं पुआते जिथो मैं विह छ आया कि मैनू यार समझ नहीं लगती की चक्कर की करामात है साड़ी समझ तो बाहर आई तो पहली बार वेखी है यह है करामात पर जे तुहानू यही चीज दसिया जाए भी कोई इदा की ट्रॉली बनी है 60 जां छोटे जे ट्रैक्टर नाल लई जांदा तुसीं मन सकदे हो बिना देखियो बिलकुल जी मैं गल कहांगा कि जेड़ा किसानी वास्ते एक नवा मील पत्थर जेड़ा ये तुसीं रख दिता स्थापित करता नवा मील पत्थर ये चीज साडे इलाके च पहली वारी आई इत्थे क्रिसमावां ते तुहाडे भारत में हर गन्ना उगाने वाला किसान चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा गन्ने की फसल कम समय और कम खर्चे में और आसानी से शुगर मिल तक पहुंचे, पर क्या ऐसा हो पाता है? गन्ने से भरी हुई एक ट्रॉली को खेत में से निकालने के लिए अक्सर बहुत सारे ट्रैक्टरों की मदद लेनी पड़ती है, जिसमें बहुत खर्चा होता है, साथ ही साथ टायर घिसते हैं और ट्रैक्टर की बहुत टूट फूट होती है। बहुत सारे ट्रैक्टरों के साथ चलने से मोड़ काटते समय ट्रॉली के गिरने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। ट्रैक्टरों के स्लिप मारने से गन्ने की जड़ खराब होती है, जिससे रटून की पैदावार कम होती है। ट्रॉली को खेत से निकालना और भी मुश्किल हो जाता है जब खेत गीला होता है। इसके लिए या तो फसल को लेबर द्वारा उठाकर खेत से बाहर खड़ी या किसी सूखी जगह खड़ी ट्रॉली तक पहुंचाया जाता है, या फिर खेत में छोटी ट्रॉली भर के बाद में बड़ी ट्रॉली में लेबर द्वारा डलवा दिया जाता है। दोनों ही कामों में बहुत समय जाता है और आजकल लेबर महंगी होने की वजह से खर्चा भी काफ़ी हो जाता है। आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ज़ैलदार इनोवेशन लेकर आए हैं ट्रैक्टर पीटीओ से चलने वाली ट्रॉली, आम भाषा में कहें तो गियर वाली ट्रॉली। ये 18x7 फीट की ओपन बॉडी ट्रॉली जो 160 क्विंटल वजन लिए हुए है, 5 ट्रैक्टर मिल के भी इस एक ट्रॉली को गीले खेत से निकाल नहीं पाए। अब ट्रैक्टर की पीटीओ को ट्रॉली की ड्राइव शाफ्ट से जोड़ा जा रहा है। अब इस ट्रॉली को ट्रैक्टर पीटीओ से जोड़ने पर देखिए एक अकेला ट्रैक्टर ही कितनी आसानी से इस गीले खेत में भी वजन खींच रहा है। टायर भी स्लिप नहीं मारते हैं। एक ही ट्रैक्टर से काम हो जाने से किसान का खर्चा काफी कम हो जाता है। एक ही ट्रैक्टर होने की वजह से छोटे मोड़ पर भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। ऊंची नीची जगहों पर भी कम स्पीड में आराम से चढ़ाया जा सकता है, जिससे ट्रॉली पलटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। भरी हुई ट्रॉली को भी गीले खेत में आराम से रिवर्स किया जा सकता है। नदी के पार वाले खेतों से भी गन्ना लाने के लिए बहुत सारे ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ती है।
इस पीटीओ ट्रॉली की मदद से अकेला ट्रैक्टर ही नदी पार वाले खेतों से गन्ना लेकर आ सकता है। ये पीटीओ ट्रॉली का दम देखिए, जो पीछे से खींच रहे फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को ही खींच के ले गया।